हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं गले की डिज़ाइन। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आज हम सीखेंगे इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया जाता है। उससे पहले फ्रेंड आपको बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा, इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये एक कुर्ती है जिसका हमको गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए इस तरह से हमने पहले बकरम से नेक की कटिंग कर ली है, और ये आप देख सकते हैं। इस तरह से काटने के बाद इसको हम एक कपड़े के ऊपर रखेंगे, और कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसको हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो फ्रेंड, आपको गले की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं किस तरह से हमको गले की, मतलब इसका नेक का कटिंग करना है। उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के इस तरह से कपड़े को काट लेंगे, डिज़ाइन के हिसाब से काट लेना है। तो इस तरह से हम काटेंगे, और काटने के बाद यहाँ से हम कट लगा लेंगे दोनों साइड में। और इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ से हमको इस तरह से मोड़ना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर करते हुए मोड़ना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से घुमाते हुए हमको सिलाई लगा लेना है। पूरा इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। तो इस तरह से हमने पैक कर लिया है, यहाँ से हम काट के निकाल देंगे इसको। और इस तरह से काटने के बाद हमको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से बराबर करना है। और इस तरह से बराबर करने के बाद हमको बीच में निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से नाखून से सीधा करेंगे और एक कट का निशान लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बीच में एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम कुर्ती लेंगे, सेम इसी तरह से कुर्ती में भी बीच में हमको निशान लगाना है। तो इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पे काटेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे। तो दोनों में हमने इस तरह से निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और निशान को दोनों हम मिलाएंगे इस तरह से। मिलाने के बाद हमको जो हमारा डिज़ाइन है बकरम का, अंदर की तरफ हमको सिलाई चलाना है। तो इस तरह से हम इसको सीधा बैठा लेंगे पहले, और यहाँ से अंदर की तरफ हमको सिलाई चलाना है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से अंदर की तरफ हम सिलाई चलाएंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए हमको सिलाई चला लेना है पूरा डिज़ाइन के हिसाब से। जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है उस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, और इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद जो हमारा अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के निकाल देंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमको काट लेना है। तो इस तरह से हम काट लेंगे, और यहाँ बीच में भी काट लेंगे इसको भी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, और हमको ध्यान देना है कि हमारा सिलाई नहीं कटना चाहिए, सिलाई को हम बचा के इस तरह से काट लेंगे इसको। तो हमने नीचे तक यहाँ तक काट लिया इसको। काटने के बाद यहाँ पर हमको कट लगाना है। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे दोनों साइड में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हमको कट लगाना है, और कट लगाने के बाद हम इसको पलट के उल्टे तरफ इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हमको उल्टे तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद इसको हम बराबर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमको किनारी सिलाई लगाना है इस तरह से दबाते हुए इसको। तो फ्रेंड, इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको बराबर करना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, और इसको हम काट के निकाल देंगे। काटने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बैठ चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें और डिज़ाइन बनाना है। तो और डिज़ाइन बनाने के लिए हमको क्या, इसमें इस तरह से एक लंबी सी पट्टी लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, जिससे हमको पाइपिंग बनाना है। तो ये तिरछी पट्टी है, और ये कटा हुआ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बराबर करते हुए रखेंगे, और इसके ऊपर हमको यहाँ से रखना है, और यहाँ से हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हमको इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है उस तरह से हम इस पट्टी को अटैच करेंगे इसमें, और इससे हमको पाइपिंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है, इस तरह से हम घुमाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हो चुका है, और इसको हम काट के निकाल देंगे। इस तरह से काटने के बाद हमको यहाँ से पलट देना है। तो यहाँ से हम पीछे की तरफ पलट देंगे इसको, इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से पलट के हमको पतली सी पाइपिंग बनाना है। तो आप अपने हिसाब से जितना पतला बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस तरह से हम पीछे कर देंगे, और यहाँ पर पीछे करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, और ये हमारा इस तरह से पाइपिंग तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम पीछे की तरफ इसको कपड़े को इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे,
और पाइपिंग को तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम घुमाते हुए बराबर करते हुए इसको सिलाई को लगाना है और पाइपिंग को तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरह से हम घुमाते हुए पाइपिंग तैयार कर लेंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से हमको करना है, बहुत ही आराम से करना है और इस तरह से हमको पाइपिंग तैयार करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको पाइपिंग बनाना है। तो ये हमारा पाइपिंग लग चुका है और इसको हम काट के निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम काट देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पाइपिंग लग चुका है। पाइपिंग लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काटेंगे। काटने के बाद इसको हमको और बंद करना है। तो ये हमारा जो खुला हुआ है इसको हम बंद करेंगे। उसके लिए हमको इस तरह से एक पट्टी लेनी है और इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। तो इस तरह से मोड़ के हमको यहाँ पे रखना है और दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हमको पैक करना है। तो यहाँ से बराबर करते हुए इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हमको इसको पैक करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से बराबर रख लेंगे और सिलाई लगा के इसको पैक करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर रखना है। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है और सिलाई हमको लगाना है। सिलाई लगा के हमको इसको पैक कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको सिलाई लगा के पैक कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना आप ओपन रखना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। बाकी इसको इस तरह से कपड़ा अंदर लगा के इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे। यहाँ से घुमाते हुए आप देख सकते हैं हमको सिलाई लगाना है और इस तरह से पैक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये पैक हो चुका है इस तरह से। उसके बाद हम इसको काट के निकाल देंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया है काट के। और अभी इसमें हमको और डिज़ाइन बनाना है। तो और डिज़ाइन बनाने के लिए हमको इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा। तो इसको हम बराबर इस तरह से करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमको डिज़ाइन लेना है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आप लेस वगैरह लेते हैं वहाँ से ये डिज़ाइन पैच वाली मिल जाएगी आपको। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमको घुमाते हुए सिलाई लगा के इसको भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए घुमाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे और इसको हम अटैच करेंगे। तो ये आपको बहुत ही आसानी से लेस वाले दुकान पे मिल जाएगा। जहाँ से आप लेस गोटा पट्टी लेते हैं वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इस तरह से पैच मिलता है वहाँ पे और आप इस तरह से ले सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस तरह से हमको घुमाते हुए इसमें अटैच करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हम घुमाते हुए इसमें अटैच कर लेंगे और ये हो चुका है। इसके बाद हम इसमें से काट के निकाल देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको काट के निकाल लेना है इसको। इस तरह से हम काट के निकालेंगे और ये हमारे गले का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये दोनों में से कोई एक वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।